एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिट्स वाला 15 के अपकमिंग ऑल आइडियल मैचेस के बारे में। हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर वहाँ पर ना कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, देन हम लोगों ने ना बहुत सारे कपल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उन कपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो आप एंड तक देखना है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। अभी स्प्लिट्स वाला 15 में ना सारे आइडियल कपल्स की पावर चली गई है, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी है जो आइडियल कपल्स है ना उनको किसी और के साथ अड़ा करके पास भेजने की। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही, लेकिन शो मेकर्स ऐसा करने का ट्राई ज़रूर करेंगे। अभी जो हर्ष है ना वो रुशाली के साथ ऑलरेडी आइडियल मैच बन चुके हैं, लेकिन अभी शुभी आ चुकी हैं और शुभी हर्ष को पसंद करती हैं। फिर वो एक टोम सेशन में शुभी के साथ सेफ साइड पर बैठे हुए दिखे एंड वहाँ पर रुशाली नहीं है, विच मीन्स रुशाली अनसेफ साइड पर होंगी। आई थिंक अभी तक आपने वो पिक देख ली होगी क्योंकि बहुत लोगों ने यूज़ कर लिया है। स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। ये जो पिक है ना जहाँ पे शुभी हर्ष के साथ बैठी हुई है, ये देख के काफ़ी लोगों को ऐसा लगा था कि रुशाली एलिमिनेट हो गई होंगी, पर ऐसा नहीं है। रुशाली ना हर्ष के साथ गेम में काफ़ी आगे तक जाएंगी। फिर हर्ष और शुभी सेफ साइड पर बैठेंगे ना एक साथ, तो ऐसा कुछ सिनारियो बन सकता है कि उन्हें ओरेकल के पास जाना पड़े। एंड आई थिंक अगर वो ओरेकल के पास जाते हैं तो वो एक आइडियल मैच बन जाएंगे। फिर यहाँ पर हर्ष के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो शुभी और रुशाली में से किसे चूज करना चाहते हैं। एंड जो हर्ष और रुशाली है ना वो आगे चल के वापस से आइडियल मैचेस की पावर गेन कर लेंगे, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड्स में ऐसा हुआ है कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करते हुए दिखे एंड हर्ष और रुशाली सेफ साइड पर खड़े हुए दिखे हैं। एंड अभी ना ऐसे सिनारियोज होते रहेंगे कि आइडियल मैचेस बनने के बाद वो लोग एक दूसरे को नॉकआउट करते रहेंगे एंड एट अ टाइम सिर्फ एक या फिर दो आइडियल मैचेस के पास ही पावर होगी। फिर इसके बाद आईडी और कशिश, तो अभी आईडी और कशिश थर्ड आइडियल मैच नहीं बने हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाली न्यूज़ फेक थी कि वो लोग एक आइडियल मैच है। तो गाइज भले ही वो थर्ड आइडियल मैच ना बने हो, पर वो आगे चल के बहुत जल्द आइडियल मैच बनने वाले हैं एंड आइडियल मैचेस की पावर भी गेन करने वाले हैं। हर्ष और रुशाली जहाँ पर सेफ साइड पर खड़े हैं ना, उनके बगल में आईडी और कशिश भी खड़े हुए हैं, विच मीन्स उस टाइम पर आईडी और कशिश भी पावर में होंगे। देन एक फोटो ऐसा भी है जहाँ पर आकृति जसवंत और आईडी कशिश खड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आईडी और कशिश एक बार आइडियल मैच बन जाएंगे ना तो फिर उन्हें पावर से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है एंड इसके बाद दोनों अच्छे परफॉर्मर भी हैं। आपने देखा ही होगा कि आईडी बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो आगे चल के उन्हें कोई आइडियल मैच चैलेंज करेगा भी ना तो भी हरा नहीं पाएगा। एंड गाइज बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आईडी और कशिश एक आइडियल मैच लगते हैं या फिर नहीं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपके फेवरेट कपल के बारे में, दैट इज सेवेत एंड एनिका। बहुत रेयर चांसेस हैं कि अपन को पता चल पाए कि ये लोग एक आइडियल मैच है या फिर नहीं, बिकॉज जो सेवेत और एनिका है ना उन्हें ओरेकल के पास जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो सेवेत और एनिका है ना वो हमेशा सेपरेटली सेफ होते हैं डोम सेशन में, कभी भी उनको एक साथ सेफ होने का मौका नहीं मिलता। एंड जो कपल्स एक साथ सेफ होते हैं ना, या फिर कोई एक पार्टनर सेफ होता है एंड दूसरे पार्टनर को सेव करता है, तब ओरेकल के पास जाने का मौका मिलता है। एंड जो सेवेत है ना वो अपनी एक लाइफ में हिंट करते हुए दिखे थे कि वो इतने अच्छे टास्क इस बार परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, ही सेड के स्प्लिट्स वाला में उनका ध्यान एनिका पर था एंड अपना लव कनेक्शन फॉर्म करने पर था, जिस वजह से वो टास्क पर उतना ध्यान नहीं दे पाए एंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये चीज़ उन्होंने खुद बोली है, इसकी क्लिप भी मैं ढूंढ कर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दूंगी। तो इनडायरेक्टली ना सेवेत ने खुद ही हिंट कर दिया है कि वो इस बार इतने अच्छे से टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितने उन्होंने रोडीज के टाइम पर किए थे। तो आई थिंक यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि सेवेत और एनिका और ओरेकल के पास नहीं जाएंगे। एंड इस बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि कैसे सेवेत ने मेरे फ्रेंड से खुद रिवील किया था कि उन्हें ओरेकल के पास जाने का मौका नहीं मिला है, एंड आई थिंक वो सीरियस थे एंड मिसलीड नहीं कर रहे होंगे। फिर भी जो सेवेत और एनिका है ना वो गेम में बहुत आगे तक जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कपल हमें फिनाले में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो भले ही वो आइडियल मैच ना बने या फिर आइडियल मैच के लिए ना जा पाए, स्टिल उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर इसके बाद दिग्विजय, तो दिग्विजय ऑलरेडी थर्ड आइडियल मैच बन चुके हैं उन्नति के साथ में, एंड ये लोग ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आइडियल मैच बने हैं। टू बी ऑनेस्ट किसी को भी पता नहीं था कि ये लोग ओरेकल के पास जा रहे हैं उस स्टॉर्म सेशन में। तो ये हमारे थर्ड आइडियल मैच है, पर ऐसे लग रहा है कि ये लोग अपनी पावर का उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपकमिंग सारे टास्क में ना परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, दिग्विजय स्पेशली। तो इन्हें आइडियल मैच होने के बाद भी आगे चल के परफॉर्म करना होगा सर्वाइव करने के लिए। एंड जो दिग्विजय की कनेक्शन है ना उन्नति, वो सबके टारगेट पर है। जैसे ही आगे चल के किसी को मौका मिलेगा वो उन्नति को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। तो ये बात तो एकदम श्योर है कि दिग्विजय गेम में बहुत आगे तक जाएंगे, पर उन्नति के साथ ही जाएंगे इस बात की श्योरिटी नहीं है।
उन्नति अगर आगे चल के एलिमिनेट हो जाती है ना, तो फिर दिग्विजय नायरा के साथ में पेयर अप कर लेंगे। जो नायरा के कनेक्शन है ना अरबाज, उनकी इक्वेशन भी इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है नायरा के साथ आगे चल के, जिस वजह से नायरा और अरबाज भी बहुत टाइम तक साथ में नहीं रहने वाले हैं। देन अरबाज का भी ना आगे चल के एलिमिनेशन हो जाएगा नायरा से पहले ही। अगर दिग्विजय और नायरा दोनों के साथ ऐसे सिनेरियोस होते हैं तो फिर दोनों फ्रेंड्स हैं और आगे चल के पेयर अप कर लेंगे टास्क परफॉर्म करने के लिए, एंड इन्हें भी ना आगे चल के और आकर के पास भेजा जा सकता है। फिर इसके बाद युवराज एंड शोभिका। अभी जो युवराज एंड शोभिका है ना, उनका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से ये लोग टास्क में ना साथ में ही परफॉर्म करेंगे। पर इन दोनों की जर्नी भी एक एक कर ख़त्म होने वाली है। जो युवराज है ना, वो तो बहुत ही जल्द एलिमिनेट होने वाले हैं। शोभिका रुशाली की अच्छी फ्रेंड है, जिस वजह से वो अभी तक बचते हुए आई हैं, पर वो भी ना गेम में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगी एंड जल्द ही एलिमिनेट हो जाएंगी, जिस वजह से ये जो कपल है ना, इनको मौका ही नहीं मिलेगा ओरेकल के पास जाने का, एंड इन लोगों को ना किसी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो जो नॉन रोडीज कंटेस्टेंट्स है ना, उनके ऊपर उतना फोकस है भी नहीं, तो उन कंटेस्टेंट्स में से ना बहुत कम लोगों को ही ओरेकल के पास जाने का मौका मिल पाएगा। फिर इसके बाद डिकिला और अनिकेत, इन दोनों के बारे में ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये लोग ओरेकल के पास जा पाएंगे या फिर नहीं, एंड ये लोग एक आइडियल मैच है या फिर नहीं। तो जो डिकिला और अनिकेत है ना, उनकी जर्नी भी एज सच कोई बहुत लंबी नहीं है। इन्हें भी ना धीरे से शो से रिमूव कर दिया जाएगा, एंड इन लोगों को भी ना शो में उतना ज्यादा हाईलाइट होने का मौका नहीं मिला है। रही बात एक आइडियल मैच बनने की, तो अगर ये लोग ओरेकल के पास जाते हैं ना, तो ये लोग फॉर श्योर एक आइडियल मैच बन जाएंगे। फिर जो आइडियल मैच बनना होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि आपने डंप करने के लिए अपने क्लू कार्ड पर किसका नाम लिखा है। हाँ गाइस, ऐसा होता है, अगर आपके क्लू कार्ड पे कोई बहुत पॉपुलर कंटेस्टेंट का नाम है ना, या फिर कोई ऐसे कंटेस्टेंट का नाम है जो अच्छा खासा कंटेंट देता है शो को, तो फिर आपके आइडियल मैच बनने के जो चांसेस है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड इन केस अगर आप आइडियल मैच बन भी जाते हो ना, तो फिर उन कंटेस्टेंट्स को कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के थ्रू बचाया जाता है, एंड अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अल्टीमेटली उन्हीं कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है जो उतना ज़्यादा कंटेंट शो को नहीं दे पाते हैं। एंड आगे चल के ना ऐसा सिवेत के साथ भी होने वाला है, वो भी एक डोम सेशन में ना ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते होते बचेंगे, मतलब उनको भी ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के थ्रू बचाया जाएगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ऐसे कंटेस्टेंट्स को बचाना सही है या फिर गलत, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सचिन और इशिता के बारे में। तो जो सचिन और इशिता है ना, उनका कनेक्शन आगे चल के और भी स्ट्रांग होते जाएगा। फिर दोनों ना अच्छे परफॉर्मर भी हैं, तो ये लोग आगे चल के एक आइडियल मैच ज़रूर बनेंगे। एक ऐसा सीन है जहाँ पर आकृति सचिन को हक कर रो रही है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस सीन में सचिन का एलिमिनेशन हो गया होगा। पर उनके एलिमिनेशन से रिलेटेड ना एज सच कोई क्लू है नहीं कि वो कब एलिमिनेट होंगे एंड गेम में कितने आगे तक जाएंगे। बट वी हैव टू से कि परफॉर्मेंस वाइज सचिन काफ़ी अच्छे। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सारे कपल्स में से कौन कौन आइडियल मैच बनना डिजर्व करता है एंड कौन नहीं। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।